आप लोगों के झगड़ों की वजह से ना मेरा घर खराब हो रहा है। और शामीर ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं उसकी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जा सकती, मैं तो घर जा रही हूं अब। रुसा, तुम्हारी सोच का कोई फायदा शायद तुम्हारे इल्म में नहीं। वहां से बिल्कुल क्लियर ये मैसेज आ चुका है कि जब तक तमाम मामला हल नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगी। अब सुकून आ गया आप लोगों को? आप लोगों के झगड़ों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, अब शामीर नहीं लेने आएगा मुझे। यार क्या जिद लगाई हुई आप लोगों ने, हमारी जिंदगियों का सवाल है ये। जिंदगी की बात कर रही हो रुसा तुम? उस जिंदगी की जिसे तुम्हारी सास और शौहर ने अजीरन बना के रखा हुआ है। मैं बात करती हूं। तुम परेशान मत हो बेटे, थोड़ा सब्र से काम करो, वक्त गुजरने के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, सब्र तो करो। रुसा, क्या आवाजें दिए जा रहे हो बाहर से और क्यों आए हो तुम? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। चलो रुसा, रुसा कहीं नहीं जाएगी, जाओ तुम। Are you sure? मैंने कहा ना कि उरुसा नहीं जाएगी, तुम जाओ। अगर उरुसा इस वक्त मेरे साथ नहीं गई तो मैं उसे अभी बरसी वक्त तलाक दे दूंगा। दे दो तलाक अभी और इसी वक्त तलाक दो, लेकिन याद रखो कि एक तलाक इस घर से भी तुम्हारे घर जाएगी, समझे? बात कर सकते हैं हम? आपको पता है मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं, मेरी बहन इस जहन्नुम से निकल जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शामिल? घर जाओ तुम। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, ये किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। किसके इशारों पर चल रहा हूँ? कौन है वो? तुम देख रही हो अपने भांजे की स्टाइल, किस स्टाइल से बात कर रहा है मेरे साथ? मैं करती हूँ शामिल, तुम घर जाओ, खुदा के वास्ते इस वक्त घर जाओ, जाओ। रूसा नहीं जाएगी, रूसा मेरी बेटी है, वो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से नहीं जाएगी। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। रूसा इससे कहो तुम इसके साथ नहीं जा रही, और रूसा अगर तुमने इसके साथ जाने का फैसला किया तो ये समझ लो कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसे नहीं कहती बेटी, चलो। उरुसा सुन कर जाओ। जाने दीजिए उसे, मत आने देना इसे अंदर इस घर में। ऐसे नहीं करती बेटी हमारी, आप बैठिए। जाने कौन सी कहानियां सुना रहा होगा वहां बैठकर। जब दादू ने मना किया था तो भेजने की क्या जरूरत थी? ये दादू की चहेती की लगाई हुई आग है। अम्मी आप क्यों बात बात में दादू को ब्लेम करती हैं? दादू ने थोड़ी ना कहा था मुंतहा को ऐसे करने के लिए। हानिया, ना दादू तुम्हारी यहाँ लाती उसे, ना ये सब कुछ होता, ना इन दो घरों में फूट पड़ती इस तरह। मामा बस भी कर जाए, फिर दादू ने ये सब कुछ सुन लिया वो बहुत हर्ट होंगी मेरी भला से। कहाँ थे भाई तुम, तो जाकर बैठ ही गए वहां। रूसा अपने कमरे में जाओ। सो खैर तो है ना मीरू भैया, दिमाग खराब कर दिया था मेरा सज्जाद अंकल ने। कोई जरूरत नहीं उस जहन्नुम में दोबारा जाने की। कुछ बताओ भी तो सही, हुआ क्या है?